नमस्ते, मैं हूँ पिनाकी। मेरा चैनल विश्वास टेक इन्फो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। पहले हम बात कर लेते हैं मोटोरोला के बारे में। मोटोरोला वन पावर कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था, जो 6.2 इंच फुल HD प्लस नॉच डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ। इसका एक खासियत है, ये एंड्रॉइड वन के साथ आया था और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी भी मिला था। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिला था एंड्रॉइड ओरियो में, लेकिन इस फोन अभी आपको कुछ दिन में ही आपको पाई मिलेगा। गीक बेंच के ऊपर जो एंड्रॉइड पाई के साथ इसका जो स्कोर वो निकल के आया है, वहाँ पर दिख रहा है एंड्रॉइड पाई के साथ इसका स्कोरिंग बहुत ही अच्छा हो गया है। जब मोटोरोला लॉन्च किया था ये कहा था ये 100% मेड इन इंडिया फोन है। ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा फोन है, स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा, टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी मिलेगा, 5000 mAh की बिग बैटरी मिलेगा, तो आप ये सेट अभी खरीद सकते हो। ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी जरूर होगा। आइए आप बात कर लेते हैं नासा के बारे में। वीडियो का जो रेजोल्यूशन आप यूज करते हैं HD या फुल HD, अल्ट्रा HD का नाम भी सुना है, लेकिन 8K का नाम सुना है क्या? हाँ, और नासा का जो खुद का जो YouTube का जो चैनल है वहाँ पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वहाँ का एक साइंटिस्ट स्पेस में नासा का जो सब सेशन है वहाँ पर एक वीडियो वो शूट किया है, उसका रेजोल्यूशन है 8K। इस वीडियो को जिस कैमरा से शूट किया है उसका नाम है रेड हीलियम 8K कैमरा से। इस वीडियो का जो रेजोल्यूशन है वो है 8192x4320 pixels। नासा का जो YouTube का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब तक मेरा चैनल विश्वास टेक इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में घंटी भी दबाइए, क्योंकि मेरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। PUBG एक बहुत ही पॉपुलर गेम है, जो गेम का जो शौकीन मोबाइल पर रखते हैं वो PUBG तो खेलते ही है। PUBG का कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था 0.9.0, जहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर, मतलब आप नया बिल्डिंग, नया ट्रीज, नया स्ट्रीट का कुछ अपडेट आया था, जो जहाँ इंटरफेस को और भी गॉर्जियस बना दिया था। वही PUBG के बारे में और भी एक अपडेट आएगा, वो कंपनी ने अनाउंस किया है, जहाँ पर आपको मिलेगा न्यू टाइप ऑफ वेदर, नया वेपन भी मिलेगा, ऑटो रिक्शा और भी ऐसी बहुत सारी फीचर आपको मिलेगा जो PUBG गेम को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। जब ऑफिशियली अपडेट आएगा तभी आप अपडेट कीजिए, क्योंकि जो वेबसाइट में अभी है, वेबसाइट में कुछ कुछ फीचर अभी है, लेकिन आप ऑफिशियली जो अपडेट आएगा वही से आप अपडेट कीजिए। दोस्तों पहले फोन मिलता था इतना बड़ा, लेकिन स्क्रीन इतना, फिर डिस्प्ले साइज बड़ा हो गया, बेजल कम हो गया, फिर आ गया नॉच डिस्प्ले, उसके बाद आ गया वाटर डॉट डिस्प्ले, अब आ गया लेटरल डिस्प्ले। इसका नाम क्या सुना है? हाँ, कुछ दिन में ही एक नया फोन लॉन्च होगी जो आसूस, ताइवान बेस्ड कंपनी आसूस, जो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन बनाता है, वो एक सेट लॉन्च करेगी जिसका नाम है जेनफोन 6, जो आसूस जेनफोन 5G का सक्सेसर है। वो फोन उसमें आपको देखेगा लेटरल डिस्प्ले। ये कैसा है लेटरल डिस्प्ले? आपको फुल H2S डिस्प्ले मिलेगा और उसका जो राइट साइड में जहां पर आपको बैटरी का जो स्टेटस दिखाएगा, उसका जो पास में ही एक छोटा सा होल दिखेगा जहां पर आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा, सिर्फ वही प्लेस आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा और पूरा डिस्प्ले आपको मिलेगा H2S डिस्प्ले। क्या जमाना आ गया, क्या क्या नाम देता है, नॉच डिस्प्ले, वाटर डॉट डिस्प्ले, अब आ गया लेटरल डिस्प्ले। इस फोन में आपको USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा और इसमें आपको 3.5mm हेडफोन का जैक भी मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली इस फोन का जो स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लीक के अनुसार ये फोन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 जो फरवरी में होगा वहीं पर ये सेट लॉन्च होगा। देखते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 में ये लेटरल डिस्प्ले एक्चुअल कैसा दिखता है। आइए आप बात कर लेते सैमसंग के बारे में। सैमसंग का जो फ्लैगशिप लेवल का जो फोन है वो एस सीरीज का S10 नाम की एक स्मार्टफोन की कुछ इमेज और लीक निकल के आया है। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑलमोस्ट बेजललेस डिस्प्ले, इन डिस्प्ले कैमरा और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा। जो नॉर्मल जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आप फोन में यूज करते हो उसको कहते हैं ऑप्टिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, और वो जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ये आपको 3 गुना ज्यादा सिक्योर है
लेकिन यहाँ पर आपको आईडी स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। एच टू एच डिस्प्ले के साथ ये फोन आपको मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 फरवरी में देखने को मिलेगा। आइए अब बात कर लेते कुछ रियलमी के बारे में। ओप्पो के सब ब्रांड रियलमी जो सस्ते में मोबाइल देने के लिए जाना जाता था, वही फोन आप इसका प्राइस बढ़ेगी। कंपनी का जो सीईओ उन्होंने ट्वीट किया है जे दिवाली के बाद स्मार्टफोन का प्राइस 1000 रुपया ज्यादा लगेगा, इसका प्राइस पड़ेगा 1000 रुपया ज्यादा। कंपनी का सीईओ उन्होंने एक ट्वीट किया है, इंडियन रूपी का जो रेट है वो गिर गया है, इसके लिए उसका जो मार्जिन बहुत कम हो गया, इसलिए कंपनी जो सीईओ वो ट्वीट किया है, दिवाली के बाद कंपनी का जो सेट है वो 5 सेट आप 1000 रुपया ज्यादा लगेगा। अगर आप किसी को रियलमी फोन लेना है तो रियलमी फोन आप ले लीजिए, क्योंकि रियलमी का सभी फोन 1000 रुपया ज्यादा लगेगा। आप जल्दी रियलमी खरीद लीजिए, दीपावली के बाद ही ये प्राइस बढ़ेगी। कई सारी स्मार्टफोन कंपनी 5G लेके काम कर रहे हैं, जैसे सैमसंग, लेनोवो, हुआवे, वो कंपनी कोशिश कर रहा है 2019 के अंदर 5G फोन लाने के लिए। लेकिन एप्पल प्लान कर रहा है इंटेल का जो 8161 5G मॉडल चिप उसके साथ 2020 में वो 5G सेट लाएगी। क्यों एप्पल? टेक्नोलॉजी के साथ आप भी चलो ना, वो सैमसंग ला सकता है, हुआवे ला सकते हैं, आप नहीं ला सकते। वो 2019 में वो लाने की दावा किया है, आप भी लाइए। आपका पास भी तो बहुत टेक्नीशियन है, आप भी 2019 में कुछ 5G फोन लाइए। और एक बुरी बात है आईफोन के बारे में, आईफोन जितना स्टॉक इंडिया में भेजा था उसका सिर्फ 1/4 ही बिका है। ये आईफोन के लिए बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही खराब संकेत है आईफोन के लिए। देखिए हर कई आदमी 10 से 15,000 के अंदर या 10 से 20,000 के अंदर सेट खरीदते हैं, कुछ ही लोग सिर्फ फ्लैगशिप कैटेगरी का लेते हैं। वही पर आईफोन कुछ नया लाएगा तभी तो आईफोन बिकेगा। आईफोन क्यों बिकेगा? आईफोन का कैमरा तो जो स्कोर आया है, जो वर्ल्ड का जो बेस्ट कैमरा का स्कोर है, उसमें तो आईफोन नहीं आया, उसमें तो हुआ ही आया, तो आईफोन लोग क्यों लेगा? हाँ, आईफोन का सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, ये सब ठीक है, लेकिन फोन का तो फीचर भी नया होना चाहिए। आप 5G क्यों 2019 में लाएंगे? आप 2019 में लाओ क्या? आपका टेक्नीशियन कम है? ठीक है, जो जैसा वो जिसका जो बिजनेस का पॉलिसी। दोस्तों आज के लिए वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे रहिए और मेरा वीडियो को लाइक भी मार दीजिए। सत्यमेव जयते।